बता पैसा और सोना किधर है भाई? वो मैं बता दूंगा, पर इसको जाने दो प्लीज भाई। बताता ये खोप दू? अरे भाई मैं बता रहा हूँ, पर इसको तो जाने दो भाई। तुझे अपनी बीवी की इतनी टेंशन क्यों है रे? अरे भाई ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी आने वाली है, तो पड़ोसन है यार। चल फोन इसको फोन। यार वो मेहमान नाराज होके क्यों चले गए? यार मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ठंडा लोगे कि गरम। फिर उन्होंने बोला दोनों ले आओ। तो यार दोनों दे देती तो मैंने चाय में कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दी। तुम्हें बुखार है, दवाई लिख देती हूँ। डॉक्टर साहब कड़ी मत लिख देना। हाँ डॉक्टर साहब कड़ी दवाई मत लिख देना। हाँ ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब प्लीज कड़ी दवाई मत लिख देना। तो एक किलो जलेबी लिख दो क्या? सबर और शुक्र दोनों का ही बहुत बड़ा दर्जा है, क्योंकि सबर मुसीबतों को खत्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसीलिए ए ईमान वालों, बीवी अगर मायके गई हो तो शुक्र करो, और अगर घर में हो तो सबर करो। तवे को कितना भी मांझो, तवे को कितना भी मांझो, स्टील का बर्तन नहीं हो सकता। इसका ब्यूटी पार्लर से कोई लेना देना नहीं है। तो बहन आज तू इतने बड़े स्टेज पर है, इतनी सारी जनता तुझे देख रही है, कुछ अच्छे वर्ड हो जाए भाई। अच्छे मतलब? अरे बहन जो तुझे पसंद हो इन लोग को भी पसंद आए। लिपस्टिक, फेयर लवली, आईलाइनर। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। यार एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? अरे नहीं यार बहन भाइयों, मैं क्या बुरा मानना, बोल। तू एक नंबर का जलील कुत्ता मनहूस इंसान है। अब मैं बोलूं बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं भाई हम तो बुरा मान जाए। सुन ले यार, प्लीज 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 सुन। क्या हुआ, इतना सेट क्यों है? अरे यार मेरी एक्स की शादी का कार्ड आया है, समझ में नहीं आ रहा जाऊं कि नहीं। अरे जा ना, देख प्यार मोहब्बत अपनी जगह, शादी का खाना पीना अपनी जगह। ठीक है मैं जाता हूँ।